दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ M5 क्वाड परफ्यूम के बारे में। एक्चुअली ये दो तरह के बेस में आता है, एक तो परफ्यूम बेस है जो कि स्प्रे में आता है, और दूसरा जो आता है वो ऑयल बेस आता है। तो मेरे पास जो है अभी ये ऑयल बेस है, इसी में परफ्यूम वाला भी आता है। फ्रेग्रेंस दोनों की बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वाड है, ये डी मार्ले हेरोड का कॉपी इसको बोला जाता है। मतलब कि आप लगाओगे तो एकदम नजदीक पहुंच जाओगे उसके। मैंने देखा है उसको, भी यूज करके देखा है उसको, मेरे किसी फ्रेंड के पास था। एक्चुअली मुझे परफ्यूम्स का बहुत ज्यादा शौक होने की वजह से, तो अगर किसी भी मेरे फ्रेंड के पास कोई भी महंगा परफ्यूम होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक बार उसको जरूर देखूं, और ये भी देखता हूं कि उसकी कॉपी कहाँ से मिलेगी। तो ये बिल्कुल उसकी कॉपी है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफी कॉस्टली परफ्यूम है। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करते हो तो वैसे तो इसका रेट अलग अलग है सब जगह के ऊपर। जो ओरिजिनल वाला है, जो डी मार्ले का आता है, लेकिन M5 की अगर मैं बात करूँ तो ये काफी सस्ते में मिल जाता है। स्पेशली ये जेंट्स के लिए है। और एक चीज और कि ये विंटर के लिए बहुत अच्छा है, सर्दियों में लगाने के लिए, जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो गया, तो सर्दियों के लिए ये बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। आप इसको निश्चिंत होकर के यूज कीजिए, आउटडोर में यूज कर सकते हो, या फिर आपको कहीं पे ऑफिशियली यूज करना है वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग में इसके जो नोट्स हैं वो थोड़े से हार्ड लगे मुझे, मतलब इतने भी हार्ड नहीं लगे, लेकिन हाँ वो हार्ड हैं और एहसास करवाते हैं कि किसी हार्ड परफ्यूम को आपने आज यूज किया हुआ है, जिसकी हार्डनेस कम से कम 15 से 20 मिनट, आधे घंटे तक रहती है। उसके बाद वो थोड़ा सा लाइट होना शुरू होते हैं। इसके जो टॉप नोट्स हैं, सिनेमन और पेपर। अब इसमें भी जो वेटिवर की खुशबू है ना, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट कर रही थी मुझे। मैंने जब इसको यूज़ किया, जब इसको लगा के देखा, तो इसमें जो वेटिवर की फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इसको डोमिनेट करती है। और इसके जो हार्ट नोट हैं, उसमें टोबैको, ऑस्मेंथस और लेबडेनम का जो एक फ्रेग्रेंस आती है, लेकिन इसमें टोबैको की जो खुशबू है वो कुछ मिसिंग लगी मुझे, या फिर कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा कम लगी, काफ़ी ज़्यादा हल्की आ रही थी। और उसके बाद में जो इसका बेस नोट है, उसमें वनीला, मस्क और सेडर की जो खुशबू है, और वेटिवर तो पूरे के पूरे तीनों नोट्स को ही डोमिनेट, ओवर डोमिनेट करता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि हाँ, इसकी जो खुशबू है वो काफ़ी अच्छी है। लगाने के बाद ये नहीं लगता है कि आपने कोई सस्ता परफ्यूम लगाया हुआ है। काफ़ी अच्छी खुशबू होने के कारण आपको, सामने वाले को भी लगता है कि कोई आपने महंगा परफ्यूम जो है, लग्जरी परफ्यूम है जो है, वो लगाया हुआ है। और 50 ml का जो इसका स्प्रे वाला आता है, उसकी अगर मैं कीमत की बात करूँ तो वो 700 रुपये के करीब है। और वहीं जो इसका 10 ml का रोल ऑन आता है, उसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेट उसकी जो है वो 400 से 500 रुपए के बीच में आपको मिल जाता है। और एक बात और दोस्तों, ये परफ्यूम्स जो है, एक बार आप लेते हो तो मेरे हिसाब से कम ये 6 महीने तक चलेगा आपका। इतनी कम क्वांटिटी में लगाना पड़ता है। मैंने इसको बहुत थोड़ा सा ही लगाया था, और इसकी खुशबू जो है वो काफ़ी देर तक रही, कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे तक इसकी जो खुशबू है वो आपको आती रहती है। और प्रोजेक्शन रेंज इसकी जो है वो काफ़ी अच्छी है दोस्तों। अगर किसी बंद कमरे में बैठे हुए हो तो चाहे बंदा 10 फुट दूर भी बैठा हुआ है ना, तो भी इसकी जो खुशबू है उस तक पहुंच ही जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप किसी खुली जगह पर हो तो इसकी जो प्रोजेक्शन है वो 1.5 से 2 फुट, 3 फुट तक कवर कर लेता है। 3 साढ़े 3 फुट तक इसकी जो प्रोजेक्शन रेंज है वो है। और बाकी ओवरऑल अगर मैं आपको कहूँ तो मैं इसको 5 में से 3 स्टार दूंगा। 3 स्टार इसलिए क्योंकि जो ओपनिंग नोट्स हैं इसके वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगे, और इसमें एक ही जो वेटिवर की जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेटिंग लगी। इसमें थोड़ा सा अगर टबैको को हाई कर दिया जाता तो शायद, और इसकी जो पेपर और सिनेमन की खुशबू के साथ साथ अगर इसमें टबैको की खुशबू को भी थोड़ा सा हाई कर दिया जाता तो शायद इसकी जो खुशबू है वो कुछ एक अलग ही माहौल बना देती। लेकिन फिर भी दोस्तों, परफ्यूम्स बनाने वालों ने कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। ओवरऑल बहुत अच्छा परफ्यूम है। अगर आप लेना चाहो तो इसको ऑनलाइन ये इजीली मिल जाता है। ऑफलाइन मैंने अभी तक किसी भी शॉप के ऊपर इसको पड़ा हुआ नहीं देखा है। तो
वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और इसी तरह की और भी जो परफ्यूम से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।